और भले ही विराट ने धोनी के इलाके में रिकॉर्ड बनाने का धमाका किया हो, लेकिन चेन्नई के मैदान पर सिर्फ और सिर्फ धोनी की गूंज सुनाई दे रही थी। धोनी के मैदान पर उतरते ही फैंस में अजब सा उत्साह देखने को मिला। धोनी ने भी अपने फैंस को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया और बल्ले से जमकर फैंस का मनोरंजन किया। चेन्नई के चीते ने कंगारुओं को रुलाया। पहले बल्ले से हमला बोला, फिर विकेट के पीछे किया कारनामा और उसके बाद युवा गेंदबाजों को दिखाई रहा। चिपक का मैदान हो और माही कुछ कमाल न करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। भारतीय टीम के कप्तान भले ही विराट कोहली हो, लेकिन चेन्नई के थाला यानी लीडर तो MS धोनी ही थे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कंगारुओं के खिलाफ माही के दो गगनचुंबी छक्कों का दीदार कर लीजिए। स्मिथ एंड कंपनी ने तो टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त करने के बाद सोचा था कि मैच उन्होंने जीत ही लिया। लेकिन जब MS धोनी मैदान पर बैटिंग करने घुसे तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने उनका जिस तरह से स्वागत किया, उसी से कंगारुओं के होश उड़ गए। अब आपको वो रिकॉर्ड दिखाते हैं जो माही ने अपने नाम किए। धोनी ने चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 88 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 89.77 के स्ट्राइक रेट से 79 रन बनाए। चिपक मैदान पर वनडे में माही का औसत 100 से ज्यादा का है। माही ने यहां 6 पारियों में 2 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 401 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 100.25 का रहा। कंगारुओं के खिलाफ खेले 66 वनडे में धोनी की ये 7वीं हाफ सेंचुरी थी। पिछले साल भले ही बल्ले से धोनी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हो, लेकिन साल 2017 तो माही के लिए लकी साबित हो रहा है। साल 2016 में माही का वनडे में बल्लेबाजी औसत 27.80 का था, तो वहीं इस साल ये औसत 89.27 का है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में 200 से ज्यादा छक्के जड़ने वाले माही दुनिया के 5वें बल्लेबाज हैं। माही ने वनडे में अब तक 212 छक्के जड़े हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद से ही धोनी पर लगातार आलोचक नजर बनाए हुए थे, लेकिन अब माही ने अपने बल्ले की गूंज से सबकी बोलती बंद कर दी है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे यह साबित होता है कि कप्तान कोहली तो सिर्फ धोनी की परछाई है। जब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल बड़े बड़े छक्के जड़ रहे थे तो MS धोनी किस तरह से पांड्या को सलाह दे रहे थे वो सुनिए। इसके तुरंत बाद जब युजवेंद्र चहल बॉलिंग करने आए तो उन्हें भी वो लगातार अपनी एक्सपर्ट टिप्स दे रहे थे। मेरा ये था कि माही भाई ने भी बोला, विराट भाई ने बोला कि इसको टर्न वाला डालो और इसको इसके फीट चेक करते रहो। तो मेरा आइडिया था कि मैं इसको बाहर डालूं थोड़ा सा, अगर वहां से अगर अच्छा शॉट मारता है देन इट्स फाइन। तो मेरा आइडिया ये था कि थोड़ा इसको आउटसाइड ऑफ स्टंप डालूं और इसको मिक्स करता रहो। चाइनामैन कुलदीप से भले ही कंगारू डर रहे थे, लेकिन उनके पीछे तो रणनीति धोनी की ही थी। देखिए कैसे माही कप्तान की तरह फील्ड चेक कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए कैसे कुलदीप के साथ प्लान बनाने के बाद माही ने पूरे का पूरा फील्ड ही बदल दिया। जब धोनी के ठीक बगल में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली खड़े थे, तब भी माही अपने टिप्स गेंदबाज को दिए जा रहे थे, जैसे कि कप्तान तो माही ही हो। डिसीजन
माही को मैदान पर इतना एक्टिव देखकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क खुद को रोक नहीं पाए और धोनी के माइंड गेम का किस्सा भी सुनाया। Very good, MS. I remember being stumped off the very first ball in a test match to Jadeja. Dhoni told him exactly where to bowl. He bowled it. I missed it and I was out. Golden duck in a test match. ये बात तो साफ है कि माही के जितना चतुर विकेट कीपर तो आज तक कोई नहीं बना है और एक बार फिर से धोनी बल्ले से भी प्रहार करने लगे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में वापसी करने में खासी दिक्कत होने वाली है। अंकन कर न्यूज 24।